हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और मैं क्लास सिक्स का जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं। तो अब क्योंकि हमारा जो ये थर्ड चैप्टर था वो टोटली कंप्लीट हो चुका है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बात करेंगे। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं सबको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा रिविज़न भी अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी अच्छी होगी। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं वन लाइनर टाइप में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना होता है, मतलब कि पृथ्वी कितना झुकी हुई है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री है झुकी हुई है। सेकंड, घूर्णन एवं परिक्रमण गति क्या होता है। अभी अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि जो घूर्णन गति है वो कोई भी पिंड जब अपने चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसे घूर्णन गति बोलते हैं। और परिक्रमण गति जब कोई पिंड किसी पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाए, तो उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक, अगला, लीप वर्ष क्या होता है। ध्यान समझिए, मैंने पढ़ाया कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट करती है, यानी इतने समय में ये वन ईयर होता है, एक वर्ष होता है। तो जो ये 6 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिलता है, यही 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे बन जाते हैं, और जो हमारा 365 दिन का एक साल होता है वो 366 दिन का एक साल हो जाता है, हमें फरवरी में 28 दिन के बजाय 29 दिन का महीना देखने को मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अगला लीप वर्ष है वो कौन सा आने वाला है। अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो अगला लीप वर्ष है वो कौन सा होगा। आइए आगे देखते हैं, उत्तर एवं दक्षिण आयनांतों में क्या अंतर है। देखिए, इसके लिए मैं फिगर फिर से नहीं बनाऊंगा, ऐसे बस थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। उत्तर आयनांत और दक्षिण आयनांत में ये अंतर है, उत्तर आयनांत उसे कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पे ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। दक्षिणी आयनांत की कंडीशन तब होती है जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश यानी मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। तो ये जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं उत्तरी आयनांत और दक्षिणी आयनांत। उत्तरी आयनांत में उत्तर में दिन बड़ा और रातें छोटे हैं, दक्षिणी आयनांत में दक्षिण में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। क्लियर। अब आते हैं विषुव क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट विषुवत रेखा पर पड़ती है, सीधा विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तब दिन और रात की जो कंडीशन होती है, वो दोनों इक्वल होता है, ना दिन बड़ा होता है ना रातें होती हैं बड़े होती हैं, दोनों समान होता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम विषुव बोलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है तो उस कंडीशन को हम विषुव बोलते हैं। उस कंडीशन में दिन और रात, रात और दिन दोनों बराबर होता है। क्लियर। अब देखते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात क्यों होता है। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऐसा होता है। जो भाग सूर्य के साइड झुका होता है वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, उसके अपोजिट साइड में 6 महीने की रात होती है। अगला देखो,
दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयनांत अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? उत्तर का आयनांत अलग होता है, दक्षिण का आयनांत अलग होता है, ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, जब उत्तरी आयनांत की कंडीशन आती है, उत्तरी आयनांत की कंडीशन आती है, तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में हमें ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो कर्क रेखा है, इस पर सीधा मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। सेम अपोजिट कंडीशन यहाँ पर होता है, यहाँ पे मकर रेखा पे इसका जो प्रकाश है वो सीधा मिलता है, इसलिए यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है वो दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। यही क्या है, यही दोनों में यही कारण है कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ सही और गलत का है उसको हम कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर हो गया था, अब हमारे बुक में जो सही गलत का सिंबल वाला है वो कर लेते हैं। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि लिखना पड़ता बहुत ज़्यादा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, आप लोग उसमें लगा लीजिएगा। देखिए पहला है, पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ की गति को क्या कहते हैं? तो इसको तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसे परिक्रमण गति बोलते हैं। देखिए, सूर्य की सीधी किरणें विषुव वृत्त पर किस दिन पड़ती है? अब याद करिए, विषुव पे किस दिन पड़ेगी? जो जून का समय होता है, जून और सितंबर का समय जो होता है, मार्च का समय जो होता है, मार्च 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा विषुव पे पड़ती हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें, 21 मार्च और 23 सितंबर को भी है, लेकिन आपके जो बुक में वो मार्च का ऑप्शन दे रखा है इसलिए 21 मार्च में बता रहा हूँ। गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये, जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, बाकी जगह पे गर्मी में नहीं मनाया जाता है। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ पे गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? ऋतु में परिवर्तन यानी मौसम में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, ये होता है। पृथ्वी का, जब सूर्य के प्रकाश के सामने पृथ्वी का जो भाग ज़्यादा होगा वहाँ पे गर्मी होगी, उसके अपोजिट से ठंडी होता है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। आइए समझते हैं, अब ये हमारा सही गलत वाला हो गया, अब होल प्लेस वाला देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल में 365 होता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है तो 366 हो जाएगा, 366 दिन होते हैं। फिर अगला, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति, को कहते हैं, डेली के जो गति को कहते हैं वो बोलते हैं दैनिक गति या फिर घूर्णन गति, बोलते हैं। अगला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो देखिए ये उसके चारों तरफ परवलयाकार, मतलब राउंड लेती है परवलयाकार कक्षा में, और ये तो यहाँ पे हो जाए क्या हमारा परवलयाकार या फिर दीर्घ वृत्ताकार लिख ली, सबसे अच्छा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, 21 जून को सूर्य की किरणें पर सीधी पड़ती है, किस पर? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस कंडीशन को उत्तरी आयनांत बोलते हैं। तो क्लास 6 का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगला चैप्टर मैपिंग का है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में मैपिंग के साथ।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।